नमस्कार द बिग बेंच के स्पेशल शो कुछ तो लोग कहेंगे में आपका हार्दिक स्वागत। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें उनकी पार्टी घास तक नहीं डाल रही, लेकिन वो पूरी ईमानदारी से घोड़े की तरह रस्सी को खींच रहे हैं ताकि पार्टी के रथ को फिनिश लाइन तक पहुंचा सके। तो स्वागत करते हैं विपक्ष के कार्यकर्ता का। ओ भाई साहब, हेलो, इंटरव्यू इधर है, इंटरव्यू यहाँ है, शुरू हो गया। हाँ जी आइए। माफ करना, वो रैली में दौड़ते दौड़ते थक गया था इसलिए मैं सो गया था भाई। तो एक बार हम फिर से करते हैं। तो स्वागत करते हैं विपक्ष के कार्यकर्ता का। कैसे हैं आप? कैसा हूँ मैं? बस भाई तुम ये समझ लो कि ऊंट के मुंह में हूँ, मतलब जी रहा हूँ। नहीं मतलब ये वाली बात नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ आए कैसे? देखो पहली बात ये है कि हम खुद से कहीं नहीं जाते, और दूसरी बात जब तक हमारे आला कमान हमें ऑर्डर नहीं देते तब तक हम कभी नहीं जाते। एक बार ऑर्डर आ जाए बिना अता पता पूछे हम चले जाते। तो बिना अता पता के आप चलते कैसे? अबे जब पूरा विपक्ष बिना अता पता के चल रहा है तो उसका कार्यकर्ता चल देगा तो तुम्हें बड़ी दिक्कत हो जाती है। यार एक तो आप ढंग से बात कीजिए, आपकी जबान बहुत खराब है। मेरी जबान खराब है? अच्छा हमको सिखा रिया है? वाह भाई तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारी जबान से हर घंटे 2 किलो चाशनी टपक रही है और लोग बाल्टी में भर भर के लेकर जा रहे हैं। और रही बात जबान खराब होने की, तो भाई जब हमारे नेताओं की जबान खराब है तो हम कौन से खेत के कोयले हैं? खेत में कोयला? ये बड़ी गलत बात कर रहे हैं आप, खेत में तो कोयला होता ही नहीं है। होता तो आलू की फैक्ट्री में सोना भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हो रहा है। यार आप लोग बहुत कंफ्यूज करने वाली बात कर रहे हैं। अबे हम क्या पूरी पार्टी कंफ्यूजन में है रणवीर भाई, मैं क्या बताऊं? कैसे बताइए? अब आप तसल्ली से सुनो एक कहानी। हुआ ये कि हमें फोन आया कि हमारी पार्टी की रैली निकल रही है, वहां पहुंचो। तो आप पहुंचे? पहुंचे, हम पहुंचे क्या, रास्ते में ही थे कि हमें फोन आया कि NCP के साथ गठबंधन हो गया है, पहले उनकी रैली में पहुंचो। तो आप वहां पहुंचे? बस 30 का पेट्रोल डलवाया हमने, NCP की तरफ अपनी मोटरसाइकिल मोड़ ली। वहां जाके क्या देख रहे हैं कि भाई वहां तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे पड़े हुए हैं। NCP की पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के झंडे? फिर पूछो क्यों? क्यों कैसे? कैसे भाई? वो ऐसे कि हम अजीत पवार में चले गए थे, हमें शरद पवार में जाना था। तो बाद में फिर आप तो शरद पवार गए? हमने फिर से 30 का पेट्रोल डलवाया बाइक में। हाँ हमने लेफ्ट लिया और हम निकले ये अपने शरद पवार की पार्टी में। तो रास्ते में हमें फोन आया कि शिवसेना ने भी गठबंधन कर दिया है, अब उसकी रैली में पहुंचो। तो फिर आप शिवसेना की रैली में पहुंचे? हम वहां गए तो हमने क्या देखा, वहां पे फिर से BJP के झंडे वहां पे भी। फिर पूछो कैसे? कैसे क्योंकि भाई हम एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए थे, हमें उद्धव ठाकरे में जाना था। तो फिर आप ठाकरे के यहाँ गए? हमने फिर से 30 का पेट्रोल डलवाया बाइक में। हाँ हम ठाकरे जी की पार्टी की तरफ गए। वहां जाने से पहले हमें फिर से फोन आया कि भाई इस बार हमारी पार्टी की रैली निकल रही है, राजस्थान पहुंचो। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो फिर आप राजस्थान पहुंचे? राजस्थान गए। हाँ। लेकिन वहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ BJP के झंडे तो नहीं थे रणवीर भाई, लेकिन हमारी पार्टी के झंडे सड़कों पर बिखरे हुए थे। फिर नहीं, ये पूछो कैसे? कैसे भाई हम सचिन पायलट में चले गए थे, हमें अशोक गहलोत में जाना था। आगे मैं बताता हूँ क्या हुआ। फिर क्या था, मैंने आला कमान को फोन किया। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि मेरी बाइक इतना एवरेज देती नहीं है जितना तुम भगा रहे हो, और दूसरी बात 10 मिनट के अंदर कन्फर्म करके बताओ कि किस पार्टी में जाना है, वरना जो चुनाव चिन्ह तुम्हारे झंडे पे है ना वो तुम्हारे गाल पे छाप दूंगा। गाल पे? गाल पे बोला है, तुमने क्या सुना? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? गाल पे। हालांकि जो तुमने सोचा ना वो भी ठीक ही है। बताओ रणवीर भाई। हाँ। हमारी पार्टी भारत जोड़ो में रह गई और उधर बागी जोड़ो पार्टी ने सारे बागियों को जोड़कर सरकार बना ली। बागी जोड़ो पार्टी मतलब BJP? BJP। अच्छा तो मुझे ये पैर ऊपर रख लूं? हाँ बिल्कुल आप ऊपर रखिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आला कमान से बहुत नाराज चल रहे हैं। देखो भाई इस बात में आधी सच्चाई है
आधी नहीं है। कैसे? सच्चाई इस बात की है कि नाराजगी तो है, लेकिन आधी सच्चाई इसलिए नहीं है कि हम किस पे नाराज हो यही हमें नहीं पता, क्योंकि ना हमारी पार्टी का कोई आला है और कमान किसके हाथ में है ये तो किसी का बाप भी नहीं बता पा रहा। पर देखिए ये सारी तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज है, ऐसे ही तो आपने अपनी कर्नाटका की सरकार बनाई। कर्नाटका का नाम मत लेना। क्यों भाई? ना ना ना, कर्नाटका का नाम मत लेना, उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। सुनाइए। सुनाओ। जल्दबाजी तो नहीं है? नहीं नहीं, आप आराम से। हाँ, सुनाइए। तो हुआ यूं कि भाई हमें फोन आया कि कर्नाटका में चुनाव आ रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी के तहत तुम्हें काम करो, बजरंग दल वालों से लड़ जाओ। हम लड़ गए। जो बजरंग दल का आदमी दिखा हमने उसे भला बुरा बोला। उसके बाद क्या हुआ, ये तो चुनाव जीत के चले गए, और कमाल की बात देखो कि मध्य प्रदेश में जाके बजरंग सेना के साथ हाथ मिला लिया। फिर क्या, इनकी तो चांदी चांदी फंसा कौन हम लोग। हुआ क्या? मैं वही बता रहा हूँ, यकीन मानो चुनाव के अगले दिन वही बजरंग दल का एक आदमी मेरे घर आ गया। अच्छा? हाँ। फिर क्या हुआ? मेरे गर्दन की नली पकड़ी, उठा के बोला, अब बोल उस दिन तू क्या बोल रहा था। अरे तो आपको सीधे माफी मांग लेनी चाहिए थी। अबे सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन मांग नहीं पाया क्योंकि मेरी ठुड्डी तोड़ दी थी उन लोगों ने। 20-20 किलो का गदा लेकर आए थे वो लोग, और भाई जो गदा से मेरी कुट लगी है, मैं सही बताऊं रणवीर भाई, मुझ में और गधे में एक सींग का फर्क था बस। पर गधे के तो सींग होते नहीं है ना। लेकिन मेरे तो है। दिखाई तो नहीं दे रहे। जगह मत पूछो। तू समझा? मजा आया यार, बड़ी अजीब बात करते हैं आप। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, अभी ये न्यूज आ रही है कि सारी विपक्ष की पार्टियों ने मिलकर एक पार्टी बनाई और उसका नाम इंडिया रख दिया। सारी भसड़ इसी बात की है। कैसे? भाई हमारी जो पार्टी है, जो हमारा जो विपक्ष है, वो काम छोड़कर नाम के पीछे पड़ा हुआ है। अब एक और कहानी सुनो। सुनाइए। ये थोड़े दिन पहले की बात थी, हमें फोन आया कि भाई जहां जहां मोदी नाम सुनो वहां वहां गाली दो, और जहां जहां गांधी नाम सुनो उनको सपोर्ट करो। हमने गांधी को सपोर्ट किया, हमें ही उल्टा गाली पड़ गई। क्यों? अबे हमने मेनका गांधी और वरुण गांधी को सपोर्ट कर दिया था, हमें क्या पता था कि वो बीजेपी में ठुसे हुए हैं। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, ये आपके पास ये जो ये है, ये क्या है? ये सारी कहानी तो इसी की है। क्या है ये रणवीर भाई? ये फाइल ना हो गई हो, ये बोफोर्स की फाइल हो गई हो। जब जब खुलती है ना, हमारा कोई आदमी इसमें बात करने को तैयार ही नहीं है। ये जो है कुछ खर्चे की लिस्ट बनाई है मैंने। हिसाब किताब है ये? हिसाब किताब है। अब इसके की पीछे कहानी सुन। तो हुआ यूं कि मेरी चल रही थी एंगेजमेंट, मुझे फोन आया कि राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा में निकल रहे हैं, जो काम कर रहे हो तुरंत छोड़ के केरला पहुंचो। तो आप अपनी एंगेजमेंट छोड़ के केरला पहुंचे? एंगेजमेंट छोड़ के मैं केरला पहुंचा। फिर क्या, वहां से हमारी यात्रा शुरू हुई। क्योंकि मैं एक कपड़े में गया था तो रास्ते में मुझे खरीदारी करनी पड़ी। केरला में लुंगी खरीदी, महाराष्ट्र में शर्ट पैंट खरीदा, हरियाणा में जाके कुर्ता पैजामा खरीदा, करते करते भाई कश्मीरी शॉल तक खरीदा मैंने। ये उसकी खर्चे की लिस्ट है, ये मैं मांगने जा रहा हूँ तो मुझे भगा दे रहे हैं। क्यों? अबे कह रहे हैं कि राहुल भाई ने एक टी शर्ट में पूरी यात्रा कर ली, तुम्हें क्या जरूरत थी रास्ते पे रैंप वॉक करने। भाई बात तो उनकी सही है, लेकिन आपको पैसे मिले कि नहीं मिले? अरे कहाँ से मिले भाई, नहीं मिल रहे हैं। बताओ, सामने वाली पार्टी 15 लाख देने को तैयार नहीं है, हमारी पार्टी 1.5 लाख देने को तैयार नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी जो आपकी पार्टी थी, कि उन्होंने कर्नाटका में कहा था कि भाई हम फ्री सर्विसेज देंगे, नौकरी देंगे, बस में महिलाओं को फ्री टिकट देंगे, आप उदास हो गए, आपको कुछ मिला कि नहीं मिला? अब मैं क्या बताऊँ हमें क्या मिला। क्या मिला? नौकरी तो दी दी, लेकिन सैलरी नहीं दी। नल तो दिया, लेकिन पानी नहीं दे रहे। गैस का वादा किया था, उसके पीछे सुनो सैलरी दी नहीं तो खाना आया नहीं, खाना खाया नहीं तो पेट में गैस बन गई। तो कह रहे हैं कि इसी का वादा किया था, ये ही इसी से काम चलाओ। तो इससे फिर आपने क्या सीखा? बस हमने यही सीखा कि भाई उस दौरान हमें सिर्फ फ्री में ज्ञान मिला था, और वो ज्ञान ये था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फ्री का वादा करती है तो उसे वोट मत दो। तो कहने का मतलब है कि फ्री की सरकार हमेशा महंगी पड़ती है, इसलिए वोट हमेशा सही आदमी को दिमाग लगाकर और सही नेता को चुनकर दे। तो आज का शो हम यही खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हमारी इनसे मुलाकात होगी तो इनके चेहरे पर मुस्कान हो। अगली बार क्यों, अभी हो सकती है। कैसे?
भाई सुनो, ये जो है ना पैसे यार तुम ही दे दो, 15,000 दे दो। नहीं, तुम अब शर्मिंदा कर रहे हो शो पे कैमरे के सामने, मेरे पास 15,000 नहीं है। अच्छा ठीक है, 10,000 दे दो। 10,000 भी नहीं है, 5,000। यार तुम क्यों बेइज्जती करा रहे हो? चलो ना तुम्हारी ना मेरी, 500 में डन करते। भाई मेरा आज पहला दिन है, मेरे पास 500 रुपए भी नहीं है। अरे यार तुम्हारी हालत तो भाई बाढ़ पीड़ित से ज्यादा खराब है। मैं कुछ करता हूँ। दे रहे हो क्या? मैं कुछ करता हूँ, एक मिनट। रोना नहीं। हाँ नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ। ओके एक मिनट, रोना नहीं, ज्यादा मांग लेना अगर। हेलो, हाँ भाई, यार ये अगली रैली कहाँ हो रही है? बिहार में। हाँ तो सुनो ना, मैं एक कार्यकर्ता और ला रहा हूँ। नहीं, कार्यकर्ता नहीं, मैं चलो चलो साथ है। पैसे करते ना। सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, 500 देते हो ना, इसको 600 दे देना, इसकी हालत ज्यादा खराब है। अरे पर मेरे को इंटरव्यू करना है ना, आप जबरदस्ती मेरे को कार्यकर्ता थोड़ी बना सकते, मैं इंटरव्यू कौन करेगा।